आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आज भागलपुर खगड़िया में पुल टूटने की घटना पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस तरह पुल टूटने की घटना पहले भी हो चुकी है, जांच की जा रही है, दोषी जो भी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहां काम होता है वहां कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक अलग पहचान दिलाई है। आगे उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सरकार पुल टूटने की घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, देखिए इस वीडियो में। देखिए जो आप बता रहे हैं पुल की बात, तो ठीक है, बात आपका कहना सही है कि पुल टूटा है, जांच जो लोग कर रहे हैं शायद उसे पुलों के नेतृत्व में बना भी था, इसके लिए बैठक हुई है और वही जांच नहीं करें और उस कमेटी में जांच करने वाले लोग हैं, जांच हो रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा जो मेरे नेता का सोच है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आपसे अलग नहीं, आप खुद जानते हैं जो उनका सोच है, काम करने का तौर तरीका है। ये भी सत्य है कि जहाँ काम होता है कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बहुत आप सजग रहेंगे परिवार में ही कहीं कहीं ऐसे कुछ होता है जो गड़बड़ियाँ हो जाती है, मगर उसको गड़बड़ी को फिर ठीक किया जाता है। जो आपने बताया है इस पर जाँच हम बैठाए हैं, निश्चित तौर पर जो भी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जो हुआ है मैंने देखा होगा कि जाँच हुआ कोई होता है, हमारे नेता छोड़ते नहीं है, हमारे नेता का पहले भी कहते हैं कि जो गड़बड़ होगा उस पर कार्रवाई करूँगा। इस बिहार के लिए जब से उन्होंने कमान संभाला है आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, बराबर प्रयास करते रहे कि बिहार मेरा चमके, बिहार ऐसा मैं दिखाऊं दुनिया को, बिहार एक अलग अपनी पहचान बनाए, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं। इस उम्र में भी आपने देखा होगा समाधान यात्रा निकाले, ठंडे के मौसम में ठंडा था उसके बाद क्यों, इसलिए हमें और आपको सुरक्षित और एक सम्मान बिहार का बढ़ाने के लिए दुनिया के सामने ये बड़ा प्रयास उनका लगा रहा है, प्रयास करते रहते हैं। कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कभी कभी, जहाँ बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ रह भी जाता है उसको उन्होंने बराबर नज़र रखते हैं, निर्देशित करते हैं, काम करते कराते हैं। मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा जो आपने प्रश्न किया है ये हम सबके भी दिमाग में है, मेरी सरकार गंभीर है, क्योंकि हमने तो काम किया जरूर, कहीं गड़बड़ियाँ हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप हमारा नेचर देखिए, जो विपक्ष के लोग कहते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा जरा आप भी अपना काम तो दिखाओ, मैं तो काम कर, जो काम करेगा कहीं ना कहीं वही आपको नज़र भी आएगा, ये सच है। जहाँ घर को सफाई करते हैं कहीं खर रह भी जाता है, कहीं थोड़ा गंदगी रह भी जाता है, फिर आदमी साफ करता है, लेकिन आप कहाँ क्या कर रहे हो अपनी बात तो बताते नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि आपके द्वारा दुनिया ने देखा है एक उम्मीद के तहत उनको दिल्ली में बैठाने का काम किया, देश में लाने का काम किया इस उम्मीद से कि देश में कुछ नया काम होगा, लेकिन जो जुमलाबाजी करके वो आए उस जुमलाबाजी के बाद हमें जीरो पे हम लोग जीरो मिला, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था आपको याद होगा कि काला धन वापस हम कराएंगे, बड़े हम लोग खुश थे, देश की जनता नौजवान खुश थे, जो काला धन हमारा गया है वो हमारे देश में वापस आएगा। वो नेता बयानबाजी दिए, जुमलाबाजी किए, उन्होंने कहा था आपको याद होगा कि हम जो नौजवान थे बड़े खुश थे कि नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, ये विभाग उनका उन्होंने शब्द बोला था, मतलब ये नहीं कहा था कोशिश करें, उन्होंने कहा था मैं करूँगा। उन्होंने मंच के द्वारा कहा था कि हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपये जाएंगे, ये विभाग ने बोला था, मंच से बोला था, ये नहीं कहा मैं कोशिश करूँगा, उन्होंने कहा था मैं दूंगा, बड़ा उम्मीद था लोगों को। उन्हें कहा था कि महंगाई दूर होगी, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम में, शर्म आनी चाहिए जो हमारे ऊपर क्या कहेंगे, मैं तो काम कर रहा हूँ, काम के प्रति सजग हूँ, ठीक है कहीं काम हम लोग करते हैं कहीं की रुचुक हो जाती होगी मैं मानता हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, आपसे जनता जब देश की जनता पूछती है काम की बात, विकास की बात, बेरोजगारी की बात करती है, नौजवान रोजगार मांगते हैं, तो हमेशा हिंदू मुसलमान और जात धर्म की बात करके निकलना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बिहार में वहाँ गठबंधन परिवार नेतृत्व कर रहा है, वो सब लोग हिल रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं, वो समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो है काम बिहार में जो हो रहा है ये पूरे देश इसे सीख रहा है। आपने देखा होगा हमारे नेता ने ही जो नेतृत्व किया वहाँ गठबंधन एक जगह हुआ तो कर्नाटक में भी फायदा मिला, कर्नाटक के लोगों को लगा नहीं जब बिहार के अंदर ये ऐसा हो सकता है तो हम लोग भी एक हों। आपने देखा कर्नाटक में झटका लगा और भी 4 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है,
आप देखिएगा वहाँ भी इनका जीरो पे आउट हो जाएंगे। राहुल गांधी विदेश दौरा पर नहीं है, मतलब देश में मुसलमानों का प्रति माहौल ठीक नहीं है, क्या लगता है आप संघ कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार के? मैं तो बराबर कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग देश के नेतृत्व अभी बैठे हुए हैं निश्चित तौर पर सबका नुकसान हो रहा है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का तो नुकसान करें कर ही रहे हैं, और सारे दलित हमारे हैं, अति पिछड़ा के मेरे भाई हैं, या फॉरवर्ड भी गरीब भाई हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। बिहार का माहौल कैसा है? बिहार का माहौल तो आपसे छिपा नहीं है, बिहार का माहौल आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, हमारे वहाँ गठबंधन परिवार के नेतृत्व में एक नंबर पर है। यहाँ पर आपने जो हमारा कार्यकाल चल रहा है, आप गरीब जनता में जाएंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी कि महागठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी के बयान से आप लोग सहमत होते हैं? सहमत क्या राहुल ने? राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि अल्पसंख्यक देश के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस बयान से आप लोग सहमत हैं? हम जो बता रहे हैं हमारी बात सुन, ठीक हो अपना बात बोलने, मैं कह रहा हूँ कि देश के तमाम लोग असुरक्षित हैं, सिर्फ उनका स्वास्थ्य पूरा हो रहा है, चंद लोगों का स्वास्थ्य पूरा हो रहा है। संविधान से अलग काम करना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं। एक बाबा पहले आए जो आपने देखा काला धन वापस ला रहे थे, एक ये बाबा आए हिंदू राष्ट्र करेंगे, कोई मतलब हुआ? और काम की तो बात करो आप लोग, काम लोग बात करते हैं आपसे, ये कोई मतलब हुआ? जनता ये पूछ रही है, जनता को विकास चाहिए, नौजवान रोजगार चाहिए, महंगाई की बात नहीं करते हो, रोजगार की आप बात नहीं करते हो, जो पहले बोले थे काले धन उसकी बात नहीं करते हो, फिर नया सगुफ आप खोल रहे हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जो कि मतलब तो हुआ नहीं। ये मतलब है आपको सिर्फ भावनाओं में बहवाना, गलत तरफ ले जाना, उन्माद फैलाना, भाईचारा बिगाड़ना, उनको आराम से रहना, उनसे कुर्सी से मतलब, जैसे कुर्सी मिले आप कुर्सी लो, मैं भी चाहता हूँ, काम करके लो ना, जैसे मेरे नेता काम करते हैं, काम दिखाओ। आपने कभी मेरे महागठबंधन परिवार से या मेरे नेता की जुबान से कभी आपने सुना है हिंदू मुसलमान की बात? कभी सुना है गलत बात? हमेशा सबकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं कि विकास होगा बिहार के अंदर। ये सोच हम सब महागठबंधन परिवार के नेताओं के पास है, निश्चित तौर पर वो बौखलाए हैं, आने वाले दिनों में बिहार में तो जीरो पर आउट होंगे ही होंगे, और हर स्टेट में उनका इस बार पर्दाफाश हो रहा, हर स्टेट में जीरो पर आउट होंगे। कर्नाटक आपने देखा है, चार स्टेट में फिर चुनाव होने जा रहा है, वो बौखलाए हुए, मिलना कुछ नहीं है, बस जुमलाबाजी करते रहें, झूठ बोलते रहें, उन्माद फैलाते रहें, लेकिन जनता इस बार सबक देगी, मैं यही कहूँगा। तो हमारे पूर्व सांसद इस बात को कहे हैं, इस बात आप भी सोचिए क्यों कहें, इसलिए कहे हैं कि ये लोग बकवासी कर रहा है, लोग कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा है, सत्य कहा है, कोई मतलब नहीं, इस गए ये सब बात करने, क्या बात है भाई? आप काम की बात करो, विकास की बात करो, 9 साल ठगे हो उसका जवाब दो, आपके पास यही मुद्दा रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, मंदिर मस्जिद। अरे भाई, जिसको मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ के रोक रहा है क्या? ये दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ठगे लोग हैं कि माँ का पूजा भी करते हैं, माँ का दर्शन भी करते हैं, अगर पैर भी छूते हैं तो दुनिया को दिखाने का काम करते हैं, माँ को ठगते हैं, मंदिर मस्जिद को ठगते हैं।